हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मांगों पर अड़े रोडवेज कर्मचारी, चक्का जाम, हड़ताल जारी। सातवां वेतनमान देने, नई बसों की खरीद व नई भर्ती करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके परिलाभ शीघ्र देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा की ओर से रायकाबाग स्थित केंद्रीय बस स्टैंड पर दिए जा धरने और चक्का जाम के तहत शनिवार को जमकर प्रदर्शन किया गया। यहां पर रोडवेज कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारी नेता लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि चक्का जाम को रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ अभियान का नारा दिया गया है। धरना स्थल पर लगातार प्रदर्शन जारी है। जब तक समझौते को लागू नहीं करेंगे तब तक हड़ताल जारी रहेगी। शनिवार को रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व परिवहन मंत्री यूनुस खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस हड़ताल से हजारों यात्री आज भी परेशान रहे। यात्री निजी बसों व रोलों में सफर करने को मजबूर हो गए। वहीं मनमाने किराए से निजी बस ऑपरेटर्स चांदी कूटने में लगे हैं। हड़ताल के कारण यात्री बेबस नजर आ रहे हैं। खासतौर से वे यात्री जिन्होंने सुविधाजनक यात्रा के लिए अपना टिकट रिजर्व कर रखा है। रोडवेज को रोजाना करीब 15 लाख रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। रोडवेज बसों के पहिए थमने से प्रतिदिन प्रदेश के करीब 10 लाख यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। रोडवेज की हड़ताल के कारण सरकार का राजस्व कम हो रहा है। वहीं अवैध और परमिटधारी बसों के मालिकों की चांदी हो रही है। वे हड़ताल का फायदा उठाकर मनचाहा किराया वसूलने में लगे हुए है। चल रही है वो बिना परमिट के चल रही है, वैसे ही हमारे रोडवेज को ये वाहन नुकसान पहुँचा रही है। हमारे जो शैलेंद्र अग्रवाल जी ने जो आज अपील जारी की है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपकी अपील सही है? आपने मतलब कह दिया कि लोक सेवा परिवहन को परमिट जारी किए देंगे, तो आप दोबारा कैसे परमिट की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया, 500 गाड़ियाँ दे दी गई, कब दी गई गाड़ियाँ? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? आप क्यों जनता को बरगला रहे हैं? आप जनता के सामने क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं उनसे, शैलेंद्र जी अग्रवाल ने, क्या आप अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं या सरकार के यातायात मंत्री के स्टेटमेंट दे रहे हैं? ये यातायात मंत्री अपनी खुद की गाड़ियां और इनसे बिकाऊ मतलब वाहन स्वामियों से बिकाऊ है और इसके तहत यह कार्रवाई की जा रही है। हम आज केंद्रीय बस स्टैंड से लेकर के कलेक्ट्रेट होते हुए पावटा चौराहे होते हुए हम वापस बस स्टैंड जा रहे हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।